तो जैसे कि मैंने आपको मंडी की पोजीशन दिखाई और किस तरह से यहाँ पर खरीदारी होती है वो मैंने आपको दिखाया, तो चलिए मैं आपको जो है रिटेल से इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए जानते हैं, ये एक भाई है हमारे साथ में, तो इनसे जानते हैं। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, अच्छा कहाँ से आप? मैं नवलपुर बंगाली कॉलोनी से हूँ। नवलपुर बंगाली कॉलोनी से। अच्छा, तो जैसे कि अपनी मंडी के अंदर ये मछलियाँ आती हैं, तो ये मछलियाँ जो होती हैं बाहर की होती हैं या अपने बिजनौर की होती हैं? इसमें अब जो बाहर की भी होती है, तालाब की होती है, कुछ गंगा की होती है, आसपास की होती है, नाले खाले की भी होती है। अच्छा, तो सभी तरह की होती है इसमें मछलियाँ। अच्छा, सभी तरह की मछलियाँ होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोली लग के मछलियाँ बिकती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई 500 रुपये की मछली गई, 500 रुपये की मछली गई, तो उसमें आपका क्या होता है, मंडी के अंदर आड़त भी होती है? जी हाँ, हमारा सिर्फ कमीशन होता है, वो शिकारी जो मछली लाता है शिकारी से सिर्फ कमीशन काटते हैं। रिटेल में अगर खरीदना चाहेगा तो उससे भी लिया जाता है? रिटेल से भी उनसे भी कमीशन लिया जाता है। 100 रुपये में 5 रुपये लिया जाता है। 100 रुपये 5 रुपये लिए जाते हैं। तो इस तरह से जैसे कि अपने पास में मछलियाँ रखी है, ये कौन सी मछली है? ये जो ये लाची मछली है, इसे मल्ली भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये मंडी का रेट क्या है? इसका रेट मंडी में 300-350 रुपये। 300-350 रुपये जी। लाची मछली जो होती है। अच्छा, और बंद कर लो जरा इसको। अच्छा, दूसरी जो ये क्या सॉल है? ये सॉल फिश है। अच्छा, सॉल फिश है। इसका क्या रेट होगा अपने पास में? इसमें मंडी में इसका मरावा रेट 400-450 होगा, जिंदा 500-650 तक होता है। अच्छा, और ये दूसरी जो है? दूसरी आपके आगे रोहू फिश आ गया। अच्छा, रोहू है। इसका क्या रेट होगा? रोहू का रेट जो है 250-300 तक होता है भैया। अच्छा, 250-300 तक होता है। अच्छा, मरी हुई होती है? जिंदा तो होती नहीं होगी ना? ना, ये रोहू मरावा ही आता है ज्यादातर। अच्छा, और ये दूसरी कौन सी है? ये दूसरी वाली जो रखी है, ये भी रोहू की वैरायटी होती है, इसे महाशेर बोलते हैं। अच्छा, ये भी, ये क्या रेट चलिए? ये भी रोहू की जैसे ये 250-300 तक का रेट रहता है इसका भी। और ये जो छोटी छोटी ये रखी है, कौन सी मछली कहलाती है ये? इसे धोता बोलते हैं या फोली बोलते हैं बंगाली में। अच्छा, हाँ, तो ये क्या रेट चलती है? ये ज्यादातर 80-100 रुपये किलो रहता है। 80-100 रुपये किलो रहती है। अच्छा, और इस वक्त अपने पास में सिंगाड़ा? और हमारे पास होगा सिंगारा, होगा बेकरी, होगा सिंगाड़ा। उठाना जरा सिंगाड़ा। सिंगारा ही है भैया। अच्छा, सिंगाड़ा। अच्छा, सिंगाड़ा का कहाँ तक रेट चला है? सिंगारा आपको 400-500 तक का रेट रहता है। 400-500। और छोटा बच्चा जो होता है? छोटा बच्चा, इसका छोटा बच्चा वो होता है 200 तक का रेट रहता है। 200 तक का रेट होता है। इसी तरह से और कौन सी मछली अपने पास में? जैसे कि आप एक मछली दिखा रहे थे, ये जो मछली है कौन सी मछली है ये वाली, जरा उठाना। ये चीतल है। चीतल, ये चीतल मछली होता है, मऊ बोलते हैं इसे। अच्छा, मऊ मछली होती है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये कितनी बड़ी मछली हो जाती है, कितना वेट हो जाता है लगभग इसका? इसका वेट 10-15 किलो तक हो जाता है। 10-15 किलो तक हो जाता है। तो ये इसका क्या रेट चल रहा है? इसका क्या रेट चल रहा है? इसका 250-300 रुपये। 250-300 रुपये। तो देख 250। अच्छा, जिस तरह से ये अपने पास में छोटी सोली है, ये सोली जो होती है इसका क्या रेट है? सोली जो है ये जिंदा सोली है भैया। अच्छा, इसका क्या रेट चल रहा है? इसका 250-300 तक का रेट रहता है। 250-300 रुपये का। एक वो जो मड़ी सी मछली आती है वो नहीं है मंडी के अंदर? ना ना, वो आज है नहीं। अच्छा, उधर की साइड में तो थी ना मछली? वो पता नहीं भैया, इधर तो है नहीं हमारे पास। अच्छा, क्या रेट चल रहा है उसका? बड़े क्या बोलते हैं उसको? उसे गोज बोलते हैं। गोज बोलते हैं। उसका क्या रेट चल रहा है? उसका 200-220-230 तक। 200-230 चल रहा है। और अच्छा, वो छोटी वाली मछलियाँ जो आती हैं वो क्या बोलते हैं, चाले, उसका क्या रेट चल रहा है मंडी के अंदर? चाले 150-200 तक का रेट रहता है। अच्छा, यानी कि हर तरह की मछलियाँ अपने पास में मिल जाती हैं। हाँ। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर होगा जी बताइएगा? 8279736301। अगर किसी को चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको मछली की पूरी डिटेल हमने आपको दे दी है, और आपको अगर मछली चाहिए तो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।